ऑलमोस्ट सत्रह हजार करोड़ रुपए सत्रह हज़ार करोड़ रुपए का नोटिस मिला है जीएसटी डिमांड uh, एंड रिलेटेड टैक्स डिमांड डेल्टा कॉप को सर दीपा मैंने स्टॉक ऑफ द डे में भी रखा है लेकिन वही वाली बात है कि स्टॉक ऑफ द डे में क्या करोगे आप लेवल्स जो है पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है जीएसटी डिपार्टमेंट ने डेल्टा कॉप और इसकी सब्सिडी कंपनियों को एक टैक्स नोटिस थमाया है और इसकी साइज़ है सोलह करोड़ की अब इसके बाद में मैं आपको दो ही लाइन बताना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पहली लाइन तो यह है कि ये नोटिस की साइज़ इतनी बड़ी कि कंपनी का अस्तित्व खतरे में yes, sir. है यस सर ठीक है पहली चीज़ ये कि कंपनी का अस्तित्व खतरे में कंपनी बच भी पाएगी कि नहीं बच पाएगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ हमेशा क्या होता है अगर इस तरह का कोई नोटिस आए वो लाइन चला दीजिए जो मैंने स्टॉक ऑफ द डे में लिया दूसरा ये कि अगर इस तरह के नोटिस की को कोई आप अपील करते हैं तो जनरली कानून ये है कि 25 परसेंट आप पहले भरिए फिर अपील करिए तो क्या ये 25 परसेंट भर के अपील कर सकते हैं कानूनी राय ले सकते हैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कोर्ट में जा सकते हैं अपील कर सकते हैं या तो जीएसटी डिपार्टमेंट में अपील कर ले या कोर्ट में जाए तो जाहिर सी बात है जी डिपार्टमेंट में अपील करनी होगी तो पच्चीस पहले भरना होगा कंपनी के पास जो लेटेस्ट आंकड़ा मेरे पास एक सौ करोड़ रुपये का कैश है इसका पच्चीस परसेंट आप समझ लीजिए चार हजार करोड़ के ऊपर ये इस टैक्स नोटिस की साइज क्या है वो जरा सा मैं आपको साइज समझाना चाहता हूँ इसकी साइज क्या है पिछले बारह सालों में जितनी आय हुई है जितनी आय उसका ढाई गुना है पिछले बारह सालों में डेल्टा ने छह हजार सात सौ करोड़ रुपए की आय की है प्रॉफिट नहीं आय जितना प्रॉफिट किया उसका पंद्रह गुना है प्रॉफिट क्या है टोटल मिला के ग्यारह सौ करोड़ डिमांड सोलह हजार आठ सौ करोड़ की पंद्रह गुना प्रॉफिट है ठीक है और बताता हूँ आपको जितनी कंपनी की नेटवर्थ है उसका आठ गुना है नेटवर्थ नेटवर्थ का का गुना है ठीक है <laughs> जितना मार्केट कैप है उसका साढ़े तीन गुना है, गुना है। आप सोचिए मार्केट कैप आपका छह चार हजार सात सौ करोड़ का है नेटवर्थ आपकी बाईस सौ बीस करोड़ की है मार्केट कैप का भी साढ़े तीन गुना है तो कहा से कहां से कहा पॉसिबल ही नहीं है और ये जब से वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में नियम बदले हैं तो ये पुरानी टैक्स 2017 से लेकर उसके बाद की ये टैक्स डिमांड आई है 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 अब देखो क्या होता है? आ, सस्टेन हो पाता है, नहीं हो पाता है अगर नहीं होता तो फिर कंपनी खत्म है, है। हाँ। मतलब अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ही जीतता है कानूनी मामले में तो कंपनी खत्म है अभी ये ये एक रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे दे सकता है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जीएसटी किस तरह से लगाया जाए ग्रोथ रेवेन्यू uh, पे लगाया जाए बेटिंग वाले रेवेन्यू पे लगाया जाए बेटिंग से हो रही इनकम पे लगाया जाए इसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था फाइनल एक डिसीजन आया जो डिसीजन भी आया इनके फेवर में नहीं आया अब जब डिसीजन इनके फेवर में नहीं आए तो पहले जो कंपनी जिस तरह से वो कर रही थी अब हाँ। उसकी टैक्स डिमांड आई है सो so, अब मतलब दोनों ही तरह से आप कह सकते हैं एक तरफ से अगर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सोचा भले देखिए हम तो पहले से ही सोचते थे कि आपको सब पे पूरे पे लेना चाहिए था आप ही कम पे ले रहे थे कंपनी की तरफ से सोचा है तो भाई हम तो इतने सालों से ले रहे थे तब तक आप क्या कर रहे थे करेक्ट अगर मैंने कम जी लिया पहली बार दिन से आप मुझे बोल दो कि पहले आप ले लो नहीं। अगर नहीं होगा तो हम वापस रिफंड करेंगे एक्चुअली करना भी यही चाहिए था राइट लेकिन वो बिजनेस मॉडल ही वायेबल नहीं होता एग्जैक्टली तो आई थिंक ये ये बड़ा टिपिकल सिचुएशन है hmm. अब दोनों के अपने अपने लॉजिक बराबर है hmm. कि क्या सही है क्या टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उनका सही है डेल्टा hmm. के हिसाब से उनका सही है लेकिन पॉइंट क्या है पॉइंट ये कि हम किसी प्रॉब्लम को इतनी बड़ी क्यों होने दें एग्जैक्टली exactly. अब इसमें किसी का फायदा नहीं है एग्जैक्टली न डेल्टा का फायदा है अगर वो डूब जाएगी तो नहीं जीएसटी डिपार्टमेंट का फायदा क्योंकि उनको तो टैक्स मिलेगा नहीं एक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी जा। एक तरह से इंडस्ट्री खाली डेल्टा लेकिन डेल्टा सबसे बड़ा बाकी और, गेमिंग को भी बाकी जा। गेमिंग जा। में असर आ नहीं है तो बाकी गेमिंग कंपनी भी सेंटिमेंटल असर आ जाएगा सो आई थिंक लर्निंग ये है कि कोई टैक्स डिमांड इतनी बड़ी हो तब तक हम चुप ना बैठे उससे पहली एक्शन ये दोनों के लिए लेसन है जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए भी है और कंपनी के लिए भी है क्योंकि दोनों के अपने अपने लॉजिक सही हो सकते हैं hmm. और हम जज नहीं है ये करने के लिए लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो ही है ना एक ऐसी सनराइज इंडस्ट्री हो सकती है जो आपका हिंदुस्तान में टूरिज्म बढ़ा सकती exactly. है करेक्ट hmm. और नेचुरली आज कितने लोगों के लिए अट्रैक्शन होता है हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो उन्हें कैशिनो को पसंद है, है और गोवा में आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं कैशिनो के लिए भी जाते हैं तो आई थिंक हमें ये देखना जरूरी है कि कुछ डिसीजन ऐसे ना हो या पॉलिसी में डिले ऐसे ना हो कि कोई ही मर जाए सो आई थिंक ये बड़ा इशू है लेट्स सी क्या होता है

आज इंपॉर्टेंट है इसके बाद लीगल चैलेंज क्या देती है कंपनी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैक करने के लिए आज देखते हैं ओपनिंग पर क्या होने वाला है रेफेनो स्टॉक है तो फिर बड़ी मूव तो आती ही है आने एक्सपेक्टेड भी है इसमें आइए आज